दोस्तों, आज हम आए हैं नर्सरी और आपका स्वागत है टेक ट्रेवल ईट देसी के इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए, आज हम नर्सरी में कुछ पौधे परचेज करने आए हैं और आपको ये नर्सरी में विजिट कराता हूँ। चलिए चलते हैं आगे। बहुत ही शानदार नर्सरी है, बहुत बड़ा नर्सरी, जैसे कि आप चारों तरफ देख पा रहे हैं पूरा नर्सरी को। आपको मैं अब ले जा रहा हूँ शोभायमान पौधे जिधर हैं, जो आप हमारे घर में जो गार्डनिंग के लिए काम आते हैं, उन पौधों की तरफ, और उनका मैं डिस्क्रिप्शन भी देते जाऊंगा और आपको धीरे धीरे शोभायमान पौधों में। ये अशोक के पौधे हैं, जैसे कि आपको देखने मिल रहा है, शानदार। चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पर पूरा आपको देखने मिलेगा अनार का पौधा। अंदर बहुत सारे पौधे, मीठा नहीं, मीठा नहीं, जामुन का पौधा, पूरा जामुन का पौधा है ये। ये काजू का पौधा है। ये बादाम का पौधा आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है, कॉटन की वैरायटी। आगे आते जाएंगे तो आपको बहुत सारी वैरायटी देखने मिलेगी, दसिना की वेराइटी है। देखिए अलग अलग एकाध हम पौधा देख लेते हैं यहाँ से, शानदार जेड प्लांट। और इस जेड प्लांट के बाद हम दसिना की एकाध वेराइटी उठा लेते हैं, ये वाला इस वेराइटी का। और एक जेड प्लांट हम यहाँ से ले लिए हैं, इसको अलग कर लेता हूँ, यहाँ रख लेता हूँ मैं इसे, मेरे को घर ले जाना है आज, इसको अलग कर लेता हूँ। और क्रोटन की तो बहुत सारी वेराइटी सब, अभी तेज धूप के कारण पड़ गए हैं। इसकी वैरायटी देखिए शानदार, ये भी है डॉ वैरायटी में। चलिए इसको भी अलग कर लेते हैं। और आपको देखने मिलेगा यहाँ पर मंडू ग्रास, तो मंडू ग्रास अगर आप लगाना चाहें तो मंडू ग्रास बोलते हैं घास, इसको फ्लोर वगैरह में लगाने के लिए यूज करते हैं। इसको हम परचेस कर लेते हैं। पर्टिकुलर नाम मुझे भी उतना अभी नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं अभी अभी प्लांटेशन करना ये सब चालू किया हूँ, तो सबका नाम नहीं पता है। जो बेसिक बेसिक है, जैसे ड्रेसिना बोलते हैं ये मैं बता सकता हूँ, जैसे कि ये आपका क्रोटन है, पूरा क्रोटन में आपको देखने मिलेंगे, सरल क्रोटन, ये डक टेल वाला क्रोटन है, और ये कर्ल क्रोटन, अलग अलग वैरायटी के क्रोटन आपको देखने मिलेंगे, शानदार। बहुत ही घना होता है ये पौधा। एक लीफा कोलियस, आपको एक लीफा देखने मिलेगा यहाँ पर, रेड येलो ग्रीन, और कोलियस के पौधे देखने मिलेंगे। ये कनेर का पौधा है, शानदार, इसमें रेड कलर का आपको फूल देखने मिलेगा। नाग चंपा का पौधा, यूफोर्बिया का पौधा, ये चंपा है, इसमें दो वैरायटी के हैं, रेड और वाइट। रेड चंपा तो मेरे पास है दो तीन वैरायटी के, और ये वाइट चंपा है, ये रातरानी है। ये आपको गुलाब रोज़ का पौधा देखने मिलेगा, वाइट कलर में रोज़। ये फाइकस की वैरायटी है, पांडा फाइकस बोलते हैं इसे। और फिर ये क्रोटन्स आपको देखने मिलेंगे, पूरे क्रोटन आपको जहाँ तक देखेंगे हर वैरायटी के क्रोटन आपको देखने मिलेंगे। और बड़ा ही सुंदर ये आपका नर्सरी है, आरंग पारा गांव नर्सरी, जहाँ पर हम अभी आए हुए हैं विजिट करने। मैं हमेशा यहीं से, ये मेरा 10वां या 12वां बार का विजिट होगा, हमेशा मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो 15 से 20 पौधे यहाँ से ज़रूर ले जाता हूँ, और इस बार भी ले जा रहा हूँ। इसके बाद आपको ये बादाम का पौधा देखने मिल रहा है पूरा, और ये काजू का पौधा। तो एक काजू का पौधा हम परचेस कर लेते हैं, कोई सा अच्छा वेराइटी का, इसमें अच्छे ब्रांचेस निकले हों। सही पौधों की छटाई करना बहुत ही मुश्किल काम है,
सही पौधे आपको निकालने आने चाहिए। चलिए चलते हैं अब हम आटन की पत्तियां, जो कुछ बहुत सारी पत्तियां पीली पड़ गई हैं, इसके बाद आगे चलते हैं हम। रोपनी में आपको लिली का पौधा देखने मिलेगा, लिली का पौधा मैं नहीं ले गया हूं, तो लिली परचेस कर लेता हूं यहां से। सीताफल आपको देखने मिल रहा है, पूरा सीताफल का प्लांट है ये। और लिली में एक हम लिली के पौधे को अच्छा जो हो उसको उठा लेते हैं यहाँ से। देखिए शानदार है, इसमें फ्लावर भी आने चालू हो रहे हैं, तो हम इस पौधे को ले लेते हैं। लिली में लिली के इसके आगे से देख पा रहे हैं, ये गंधराज का पौधा है, वेरिकेटेड वैरायटी में है, वेरिकेटेड बहुत ही कम मिलता है। शानदार गंधराज का पौधा यहाँ पर देखने मिलेगा। एक ग्रास वाला तो एक निकाल ही लिया हूँ, फाइकस की वैरायटी है पूरी, इसमें आपको पूरा फाइकस देखने मिलेगा। चलिए अब आगे चलते हैं हम। ये आपको रुमालिया का पौधा देखने मिलेगा, जो शंकर भगवान में जिसका फूल चलता है, बैगनी कलर का इसका फ्लावर होता है, शानदार। ये वाइट और ऑरेंज कलर में आपको एक्जोरा, मिनी एक्जोरा का पौधा देखने मिलेगा। ये भी मिनी चांदनी का पौधा है शायद, डॉफ वैरायटी है इसका, छोटे छोटे इसके फूल खिलते हैं, अच्छा घना होता है ये। आपको पौधा देखने मिलेगा दूध मोंगरा का पूरा, और उसके बाद यहाँ पर आपको रोजेस की वैरायटी देखने मिलेगी, वाइट रोज। कटहल का पौधा आपको देखने मिलेगा पूरा, खुशबू देता है रात रानी का पौधा, अच्छे फ्लावर खिलते हैं। मिनी चांदनी के ले गया ना अपन, ये यूफोर्बिया जो कांटा वाला पौधा, शानदार फूल खिलता है, डॉफ वैरायटी भी है, लॉन्ग वैरायटी भी है, यूफोर्बिया का है प्लांट। और उसके बाद ये आपको चंपा देखने मिलेगा, वाइट चंपा है, इस चंपा की एक वैरायटी, ये जो है ये रेड चंपा का पौधा है, जैसे इसका पत्ता देख लीजिए, ये रेड चंपा है, और इसमें वाइट चंपा भी है, जैसे कि ये वाला, ये वाइट चंपा का पौधा है। इसकी एक वैरायटी मैं रख लेता हूँ, क्योंकि रेड वाला तो मेरे पास है, वाइट वाला भी है, बट एक मुझे और लगाना ही है। ब्रांचेस हो ऐसा पौधा, हमेशा पत्तेदार का पौधा ब्रांचेस निकल रहे हैं, इस प्रकार का पौधा आपको परचेस करना चाहिए जब भी आप नर्सरी आते हैं, तो हमेशा ब्रांचेस, ताकि आप उसको कटिंग करके और एक्स्ट्रा बंचेस में का पौधा है देखने मिल रहा है आपको। नाग चंपा है, नाग चंपा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी पत्तियां आपको नाग जैसे देखने मिलेंगी, इसलिए इसका नाम नाग चंपा है। चंपा में इधर और वैरायटी है, वाइट चंपा जैसे कि ये चंपा का फूल खिला हुआ है, शानदार आपको देखने मिलेगा, इसी तरीके का इसमें फूल खिलता है चंपा में। मैं इस पौधे को आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। इसके बाद आपको देखने मिलेगा एक लीफा, ये पूरा एक लीफा, और ये कोलियस है, कोलियस भी शानदार दिखता है, जैसे आपको देखने मिल रहा है कोलियस का पौधा। पूरा ये नींबू का पौधा है, एक हम नींबू के पौधे को उठा लेते हैं, जिसको हम अपने छत में, छत वाले गार्डन में लगाएंगे। इसमें भी हमेशा ऐसा आपको पौधा परचेज करना है जिसमें दो तीन ब्रांच निकले हुए हों, सिंगल ब्रांच वाला पौधा आपको नहीं लेना चाहिए। ये जैसे इस प्रकार का पौधा जिसमें दो तीन ब्रांच निकले हुए हों, ये ज़्यादा फायदेमंद होता है। सिंगल में क्या है आपको कटिंग करना ज़्यादा, गुड़हल में जैसे ये रेड है, ये मेरे पास नहीं है, जो नहीं है
वो हम परचेस करने की कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा मन करता है पौधों को देख के कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें ले जा लूँ मैं। जैसे एक वाइट गुड़हल आपको देखने मिल रहा है, इसको भी मैं एक निकालने वाला हूँ, वाइट वाला भी हमारे पास। प्योर पिंक कलर का आपको देखने मिल रहा है, इसमें वाइट वेराइटी भी है आपको देखने मिलेगा। ये वेरिकेटेड है, इसकी पत्तियाँ ही शानदार दिखती हैं वेरिकेटेड में। देखिए कितनी शानदार पत्तियाँ हैं इसकी। इसके बाद आपको ये वाइट वाला गुड़हल आपको देखने मिलेगा, इसमें से एक उठा लेता हूँ मैं। जड़ क्या नीचे मिट्टी अंदर भी धस जाता है। कौन सा रखें माही? ये वाली रखेंगे, इसमें कलियाँ भी हैं। ये वाली रखेंगे। अब देखते हैं आगे, पूरे शानदार फूल फ्लावर के पौधे आपको देखने मिलेंगे। शानदार दिखा। अब ये गिलोय का पौधा आपको देखने मिल रहा है, और ये आपको चांदनी का पौधा, सफ़ेद कलर का जिसमें फ्लावर लगता है, चांदनी का पौधा। पीछे आपको करौंदा का पौधा भी देखने मिलेगा उधर, और लास्ट में आपको करौंदा का पौधा देखने मिल रहा है। नींबू, करौंदा, गिलोय सब है इस रोपनी में, हर वेराइटी के पौधे। इस वाले आम को मैंने अपने घर पे लगाया हुआ है। ये आम शानदार आम का पौधा आपको देखने मिल रहा है, इतने आम फले हुए हैं इसमें। कल जो मीठा आम रहता है उस प्रकार का आम है ये, पूरा नर्सरी भर ये लगा हुआ है। मज़ा आ गया, आम के पौधे, अलग अलग प्रकार के गुड़हल के पौधे। ये मधुकामिनी का पौधा है, मधुकामिनी का पौधा आपको देखने मिलेगा। बेल का पौधा, पूरा बेल का पौधा इधर, और इधर आपको देखने मिलेगा अलग अलग प्रकार के आम के पौधे। ये अलग अलग प्रकार के आम के पौधे हैं, पूरा यहाँ से वहाँ तक फैला हुआ है। कैक्टस का पौधा देखने मिलेगा, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार के और भी प्लांटेशन के वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे चैनल टेक ट्रेवल ईट देसी को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें।